इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को ढेर सारे अधिकार दे रखे हैं। कई बार महिलाओं को उनके अधिकार ना पता होने की वजह से वह शोषण का शिकार हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं के कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अधिकार, समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 के तहत किसी भी क्षेत्र में काम करने पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलना, मतलब लिंग के आधार पर वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं के दूसरे कानूनी अधिकार के, यह है घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह एक्ट मुख्य रूप से पति, लिव इन पार्टनर, पुरुष या रिश्तेदारों द्वारा एक महिला को, लिव इन पार्टनर महिला को या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे माँ या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं महिलाओं के तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट कानूनी अधिकार के, यह है मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मातृत्व लाभ जॉब करने वाली महिलाओं के लिए सुविधा के साथ साथ उनका अधिकार भी है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत किसी महिला के माँ बनने के बाद 12 वीक्स तक यानी 3 महीने तक उसके वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाती और वह फिर से अपना काम शुरू कर सकती है। अब बात करते हैं चौथे इम्पॉर्टेंट फीमेल राइट्स की, यह है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी महिला को उसके फंडामेंटल राइट मतलब जीने के अधिकार का अनुभव करने दे। गर्भाधान और प्रसव पूर्व लिंग पहचान करने की तकनीक अधिनियम PCPNDT 1994 कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम और महिलाओं के पांचवें अधिकार के बारे में, यह है रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत इसमें 3 अलग अलग पॉइंट। पहला पॉइंट, किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरा पॉइंट है, किसी महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। और तीसरा पॉइंट है, परंतु प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अनुमति या आदेश पर किसी खास संगीन अपराध के मामले में महिला अपराधी को रात में और पुरुष पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।